पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये वही साइबर ठग मंजारुल इस्लाम है जो साइबर ठगी के गैंग में शामिल है। इसके गैंग में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों लोग शामिल हैं जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। दरअसल जब देश में लोग कोरोना की मार झेल रहे थे, लोगों को नौकरियां चली गई थी और लोग बेरोजगार थे, तब साइबर ठगों ने इसी बात का फायदा उठाते हुए अमेजन, फ्लिपकार्ट तथा ई वॉलेट के नाम पर लोगों को घर बैठे रोजगार देने का काम किया। लोग इनके झांसे में आते गए और अपने अकाउंट की सारी डिटेल भी आसानी से देते गए। नतीजा आज सबके सामने ये है कि अब हजारों लोग इस गैंग की ठगी का शिकार हुए हैं। बरेली साइबर थाने के इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि बहेड़ी निवासी एक शिक्षिका ने अक्टूबर 2021 में FIR दर्ज करवाई थी, जिसमें उसने बताया था कि उसके खाते से 2 लाख रुपए अधिक साइबर ठगों ने उड़ा लिए हैं। पुलिस ने जब उसकी छानबीन शुरू की तो साइबर ठगी के तार चीन से जुड़े मिले। पुलिस ने इस मामले में सबसे पहले एक आरोपी को गिरफ्तार किया जिसके अकाउंट में 1 महीने पहले 201 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। उसके अकाउंट की डिटेल ली गई तो करीब 2000 से अधिक पेज की डिटेल निकली है। वह आरोपी महाराष्ट्र की जेल में बंद है। पुलिस ने जब महिला द्वारा दी गई अकाउंट की डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि इसमें मंजारुल इस्लाम भी शामिल है, जिसके बाद इसे 28 अप्रैल को गुड़गांव से गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार ये लोगों के मोबाइल पर फ्री रिचार्ज का मैसेज भेजते हैं, फिर उसमें अकाउंट डिटेल्स मांगते हैं और उन्हें रोजगार देते हैं। शुरुआत के 1-2 दिन में रिचार्ज लोगों को फायदा देता है और फिर लोग दूसरों को मैसेज भेजते हैं। इसी तरह से लाखों लोग इस गैंग के शिकार हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी उनके बैंक खातों से गायब हो जाती है। साइबर थाने के इंस्पेक्टर अनिल कुमार के मुताबिक मंजारुल इस्लाम के खाते में 24 घंटे में 15 करोड़ का लेन देन हुआ है। इसके अकाउंट की डिटेल निकलवाई गई तो 700 पेज की डिटेल निकली है। मंजारुल इस्लाम का अकाउंट ICICI बैंक में है। इसमें लोग ज्यादातर बिजनेस अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। पुलिस को इन लोगों तक पहुंचने में काफी लंबा समय लग सकता है, क्योंकि हर एक अकाउंट की डिटेल निकलवाना और फिर पता करना वो शख्स कहां रहता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा चीन का गैंग शामिल है। भारत में लोगों को आर्थिक अपराध में झोंकने का काम कर रहा है और देशवासियों को हजारों करोड़ की चपत लगा रहा है। किसी भी तरह के लोक लुभावन मैसेज के लिंक को ना खोलें, क्योंकि आपका छोटा सा लालच आपको कंगाल बना सकता है। किस तरह से पुलिस के हाथे चलाएं? अक्टूबर 21 के लास्ट वीक में हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी, बहेड़ी की एक महिला ने की थी। उन्होंने कहा कि फ्लिपकार्ट पे जॉब के नाम पर उनसे 2,09,000 के करीब रुपए की ठगी कर ली है। अब वो उनसे ना संपर्क कर रहे हैं, ना उनका फोन उठा रहे हैं, ना पैसे वापस कर रहे हैं। तो इस पर FIR लॉन्च करके फिर जब जांच शुरू की, उसमें विवेचना की, तो उसमें बेनिफिशियरी खाते आए हैं कई निकल के, जिसमें एक आसाम का रहने वाला एक NGO चला रहा है, जयदेव डे नाम का एक है, उसके खाते में जब उसके खाते का स्टेटमेंट लेके अवलोकन किया तो 1 महीने में करीब 201 करोड़ रुपये उसके खाते में आया था। और वो उस समय महाराष्ट्र जेल में थाड़े जेल में बंद था। तो फिर उसको अपने मामले में इन्वॉल्व करके उसका फिर वारंट बनवा के और उसको चार्जशीट किया। उसी में आगे पीड़िता का पैसा और जिन खातों में गया उन पर फोकस किया। तो पीड़िता के पैसों में से 50,000 रुपये एक मंजारुल इस्लाम नाम के आदमी के खाते में गुड़गांव में आए थे। तो मंजारुल इस्लाम को कल अरेस्ट किया। मंजारुल इस्लाम के खाते का जब अवलोकन किया तो उसके खाते में 11-10 को जब पीड़िता का भी पैसा जिस दिन पड़ा था, लगभग 15 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ एक दिन में। तो ये मामले में फिर एक चीनी का नाम उभर के आया है, एक चीनी लियान नाम के आदमी का, कि वो मास्टरमाइंड है और इसमें जांच चल रही है। अब तक जो संभावना ये है कि इस पूरे मामले में लगभग भारत के सैकड़ों बहुत बड़ी संख्या में पीड़ितों से लगभग 3,000 करोड़ रुपए इस तरह से साइबर ठगों द्वारा ठग लिए गए हैं। अभी इसकी विवेचना जारी है, इसमें और भी आगे गिरफ्तारियां होंगी। किस तरह से ये जाल में फंसाते थे, अपना कैसे टारगेट करते थे? कोरोना में लोग जॉब चले गए लोगों के रोजगार का, उनको जब वो था तो ये ऑनलाइन उनको कहते थे कि आप कोई ऐप, इनका ऐप था, ऐप बना लो, वॉलेट ई वॉलेट बना लो। उसमें शुरू में ये क्या करते थे, जैसे आपने 200 रुपये डाले तो 400 रुपये आपके खाते में आ गए, तो प्रॉफिट लगा उनको। उनको लगा कि इसको काम करने में हम ईजी 15-20 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं। तो उसी बेरोजगारी का फायदा उठा के उनके वो अपने जाल में फंसा के और उनके उनसे इस तरह से पैसा अपने यहाँ उल्टा लगवा लिया उनसे।